सत्यवाणी शनि ग्रह की शांति भाग दो। शनिवार को दिन में ठीक 12 बजे दुकान एवं घर के मुख्य दरवाजे पर हरी मिर्च और नींबू का टोटका अवश्य करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ होकर एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना मुंह देखकर 21 बार अपने ऊपर से उतारकर भगवान की पूजा का जहां स्थान हो वहां पर रख दें और शाम को सूर्यास्त के पहले काले कपड़े की बत्ती बनाकर उस तेल से दीपक जला दें। दीपक की बत्ती का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए क्योंकि शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। दीपक जलाते समय ध्यान करें, प्रार्थना करें कि दुश्मन आपसे दूर हो जावे। नारियल का गोला लें, उसको ऊपर से काटकर उसमें 5 प्रकार का तेल भरें या 5 प्रकार के पदार्थ भी भर सकते हैं और उस गोले को काले कपड़े से पूरा बंद कर दें और अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी तिराहे या चौराहे पर रात को छोड़ करके आवें। दीपक भी जलावें, कपूर भी जलावें और पीछे मुड़कर ना देखें, घर आकर हाथ पर धो लेवें। सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर उस तेल का दान करें क्योंकि शनि का दान छाया का दान कहलाता है। 5 प्रकार का तेल कोई भी ले सकते हो, सरसों के तेल सहित, और 5 प्रकार के पदार्थ यानी कि कपूर, लौंग, काले तिल, उड़द, पीली सरसों, ये 5 पदार्थ हो गए। तेल से बनी हुई वस्तुओं को बनाकर शनि देव को चढ़ाकर पक्षियों एवं कुत्तों या जानवरों को खिला दो। मालपुए बनाकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर दान करना चाहिए। गर्मी में ठंडाई शरबत घोलकर दान करना चाहिए जिससे शनि प्रसन्न होता है। शनि स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से सूर्यास्त के बाद पढ़ें। घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की कील जो नीचे रहती है उसका छल्ला दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में प्रदोष काल में धारण करें। दुर्गा जी या काली जी या कोई भी देवी जी एवं श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी की पूजा करें। शनि भगवान के मंदिर में जाकर उन पर सरसों का तेल, काले तिल, लोहे की कीले, उड़द और काला कपड़ा अवश्य चढ़ाएं। पर ऐसे मंदिर में जाए जहां पर शनि की मूर्ति में आंखें और 4 हाथ पैर होते हैं, ऐसे मंदिर में पूजा न करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनि न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे आंखें नहीं मिलाई जाती है। इसलिए पूजा करते वक्त शनि भगवान के चरणों में आपकी निगाह होना चाहिए, परंतु यदि शनि भगवान के सिर पर यदि आप ये तेल चढ़ाएंगे अपना उतारा हुआ तो आंखें तो मिल जाएगी आपकी, और यदि शनि भगवान से आंखें मिला ली तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए जहां पर शनि देव की, शनि ग्रह की शिला रूप में प्राण प्रतिष्ठा हो ऐसे शनि मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहिए। बंदरों को लड्डू खिलावे तो शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। भैंस, कौवे और मजदूरों को भोजन करावे। कुएं में कच्चा दूध गिरावे। सिक्का, धातु से बने 12 सर्प या 4 तांबे के नाग नागिन बहते पानी में प्रवाहित करें। एक बोतल शराब बहते पानी में 7 बार अपने ऊपर से उतार करके बहा दो। चमड़े का जूता, चप्पल, बैग, बेल्ट, पर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसका शनि खराब हो। 8 किलो काले उड़द में सरसों का तेल मिलाकर बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जो भी चीज प्रवाहित करने वाली बात जहां पे आती है, अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार शनिवार के दिन रात्रि कालीन में ही उतारा करें। 4 सूखे नारियल बहते पानी में डालें।
सरसों के तेल लोहे के डिब्बे में भरकर अपनी छाया देकर सूर्यास्त के समय पर किसी एकांत स्थान में रख करके या गाड़ करके आ जाएं। सरसों के तेल से बना उड़द के आटे का मीठा हलवा चढ़ावें। सात प्रकार के अनाज, उड़द, लोहा तथा स्वर्ण आदि का दान करें। शनि महाराज की विशेष पूजा करावें या तो हर समय हर जगह धन संपत्ति काम सुख और आरोग्य की अवश्य प्राप्ति होती है। एक समय बिना नमक का भोजन करना चाहिए, शनिवार का उपवास रखें। कोकिला वन एक स्पेशल वन है ये, जो शनि जो नंदगांव बरसाना रोड में है, तो कोकिला वन का शनि मंदिर जो नंदगांव बरसाना रोड कोसी से केवल 6 किलोमीटर दूर है, वहां दर्शन करने से शनि देव का क्रोध कम होता है। शनि की वजह से शरीर में सभी प्रकार की व्याधि वात से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है, ये शनि की क्रूरता की वजह से आती है। गठियावाद, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, आंतों का रोग, आलस्य, आंतरिक गर्मी इत्यादि ये शनि की बीमारी है, तो शनि को शांत करें तो ये बीमारी नहीं लगेगी। यदि बीमारी रहती हो तो 4 शनिवार सूर्यास्त के बाद प्रातः 4 बजे के बीच, सूर्यास्त के बाद से प्रातः 4 बजे के बीच में कभी भी सरसों का तेल से भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। तेल को पहले रोगी के ऊपर से 7 बार उतार लें। तेल कम से कम 2 लीटर इसमें लगता है। जिसको नसों की बीमारी हो उसे शनि का दान करना चाहिए। बार बार खून निकलता हो, हाथ पैरों में लगती हो, हाथ पैरों में गिरते हो, इससे रोग व्याधियों से मुक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक व मानसिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। मतलब जिसको नसों की बीमारी हो उसको भी शनि का दान करना चाहिए। जिसको बार बार खून निकलता हो इसका मतलब यह कि शनि का प्रकोप है। हाथ पैरों में बार बार लगती हो, बार बार वो स्कूटर मोटरसाइकिल कार या चलते फिरते गिर जाते हो तो समझो शनि का प्रकोप है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम खाम खीम खोम सम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र हैं शनि भगवान के, शनि ग्रह के, इनके जप कर सकते हैं। ओम ह्रीम नीलांजलम समाभाषम रवि पुत्रम समाग्रगम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। एक ये वैदिक मंत्र है। पवित्र आचरण भीतरी और बाहरी स्वच्छता, सात्विक भोजन और शुद्ध विचार वाले व्यक्ति के भाग्य को शनिदेव चकमा देते हैं। यानी पवित्र आचरण करने वाला व्यक्ति भीतर से और बाहर से स्वच्छ हो, सात्विक भोजन करता हो, शुद्ध विचार रखता हो तो उस व्यक्ति के भाग्य को शनिदेव चमका देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले कोई भी व्यक्ति को सुखी रखते हैं, वो शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। शनि की उपासना और साधना करने से शनिदेव के साथ साथ राहु केतु के अनिष्टकारी प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव की पूजा के समय उनको चंदन, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती अवश्य लगाएं। शनिदेव के हवन में लगने वाली सामग्री काले तिल, काली उड़द, दीपक जलाने हेतु सरसों का तेल, काले तिल से बने हुए गुड़ के लड्डू, आसन हेतु काला कंबल, शमी की लकड़ी, काला चंदन, बालहड़, गूगल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, अगर तगर, जायफल, इलायची, आंवला, कपूर, काचली, इंद्रजो, गिलोय, बालचर, पटलीपन, मुलहटी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, पुष्करमूर, मजीठ, गोखरू, सतावर, चार छबीला और देवदारू, ये औषधियां हैं जो शनि देव के हवन में डालना चाहिए। शनि देव द्वारा बहुत सारे कष्ट दिए जाते हैं। कई बार फैक्ट्री बंद हो जाती है, ताले लगा दिए जाते हैं, व्यापार में हानि हो जाती है, धंधा चौपट हो जाता है, आय के साधन बंद हो जाते हैं या फिर आय से अधिक खर्च होने लगता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य
निरंतर गिरता जाता है, वजन कम होता जाता है, भूख नहीं लगती है, विभिन्न रोग लग जाते हैं, गोली दवाई का प्रभाव नहीं पड़ता, शत्रु हावी होने लगते हैं, शत्रुओं से भयभीत रहने लगते हैं, झुंझलाहट होती है, क्रोध होती है, पुत्र सुख नहीं।